Assalamu alaikum everyone, I hope you all guys are well. I welcome all of you to your own YouTube channel Kashmiri Students. So guys, आज notification number 3 and notification number 4 of JK SSB का syllabus announced हुआ है, जिसका आप काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत ही वेट कर रहे थे, तो आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या रहता है, पेपर पैटर्न, तो वो आज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं. और हाँ, जो नोटिफिकेशन नंबर 3 में फॉरेस्ट गार्ड आता है और नोटिफिकेशन नंबर 4 में फॉरेस्ट फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट आता है, जो कि बहुत ऑफ द पोस्ट 10+2 लेवल के पोस्ट है, उनका सिलेबस सेम ही रहने वाला है. सो गाइस, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो गाइस, चलते हैं सिलेबस पर. हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं. सो गाइस चलते हैं. अगर आपको पेपर ये सिलेबस का पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. या आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो गाइस चलते हैं हम सिलेबस पर. सो गाइस, ये रहा आपका सिलेबस फॉरेस्ट गार्ड का, ऑफिशियली अनाउंस हुआ है 2021 फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए सिलेबस. सो गाइस, टोटल मार्क्स इसमें 120 है और टाइम अलॉटेड इसमें 2 आवर्स मिलेंगे आपको पेपर करने में, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन. सो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स से देखेंगे कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है और कितने मार्क्स आ रहे हैं. सो 20 मार्क्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स से, उसमें से टॉपिक्स क्या रहेंगे वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले परसेंटेज रहेगा, उसमें उसके बाद एवरेज, फिर टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, फिर रेशन एंड प्रॉपर्टीज़, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एज, उसके बाद प्रॉबिलिटी, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ एंड मेंस्ट्रुएशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट पे, कौन से सब्जेक्ट में इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो बेसिक रीजनिंग है. उसमें से 20 मार्क्स आ रहे हैं, उसमें से एनालॉग्स टॉपिक रहेगा या चैप्टर रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स रहेगा, फिगर आउट ऑर्डर रहेगा, डायरेक्ट सेंस रहेगा, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन रहेगा, वेन डायग्राम रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा और कोडिंग डिकोडिंग रहेगा. नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश, जो कि हर किसी स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग ही रहता है और उससे अच्छे खासे मार्क्स मार रहे हैं. उनमें से टॉपिक्स आर्टिकल्स, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रोपोर्शंस, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डिटरमिनर्स, स्पेलिंग्स एंड सेंटेंसेस रहेगा. उसके बाद नंबर 4 एंड नंबर लास्ट सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, उसमें से 50 मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें रहने वाले हैं. तो जनरल करंट इवेंट्स में टॉपिक है नेशनल लेवल पर, जो जनरल करंट इवेंट्स है वो. उसके बाद सपोर्ट्स, उसके बाद इंडियन कल्चर, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, उसके बाद कैपिटल और स्टेट, जनरल साइंस, जनरल साइंस मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, या जिनके बेसिक फिजिक्स, क्योंकि ये 10+2 के या 10+ के पोस्ट है तो इसमें ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता. हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो गाइज, आप अगर इस वीडियो को इन्फॉर्मेशनल पाते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पे वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.